Okay, this is our third lecture. In this lecture we will discuss about the bus system. So today's topic is buses, basically buses. So we are covering their computer system buses, type of the buses, bus orientation, bus and memory transfer. सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ बसेस इन कंप्यूटर सिस्टम. जो कंप्यूटर सिस्टम में हमारी बसेस हैं, बेसिकली ये थ्री टाइप्स की होती हैं: एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस. बसेस का मतलब है जिस पर हम कुछ ना कुछ ट्रांसफर करें, जो कैरियर हैं आपके पास सिस्टम के अंदर, वो बसेस कहलाती हैं. एड्रेस बस आपने देखा है एक ही डायरेक्शन में है, वन डायरेक्शन में है. तो एड्रेस बसेस पर जो है वो एड्रेस फ्लो करता है. एड्रेस किसका एड्रेस होगा? जैसे मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई आपके पास, इनका एड्रेस होता है. ये एड्रेस माइक्रोप्रोसेसर जनरेट करता है और इस बस पर पूरे के पूरे कम्युनिकेट करता है. अब इस बस पर जो एड्रेस होता है, बस क्या करेगी, उस एड्रेस को, जो भी इस पर एड्रेस है, बसेस उस एड्रेस वो कैरी करेगी और जिस डिवाइस का एड्रेस है वो उसको, उस एड्रेस को बिल्कुल अपना रिकॉग्नाइज कर लेगी. अगला है डेटा बस. डेटा बस आपने देखा है बोथ डायरेक्शन में है, दोनों डायरेक्शन में. डेटा बसेस का मतलब है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और या मेमोरी से हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं टू द प्रोसेसर, एंड फ्रॉम द प्रोसेसर डेटा कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. एंड लास्ट जो लाइन है वो कंट्रोल बस है. कंट्रोल बस पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स डालते हैं और ये कंट्रोल सिग्नल्स जो है वो माइक्रोप्रोसेसर जनरेट करता है. कंट्रोल यूनिट होती है उसके अंदर, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करती है. और ये कंट्रोल आपके पास जो बस है वो भी वन डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में उसमें डेटा फ्लो करता है. जो डेटा फ्लो करेगा वो माइक्रोप्रोसेसर से डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या मेमोरी डिवाइसेस इन दिस एग्जांपल में जो गिवन है वहां पर फ्लो करता है डेटा. अब नेक्स्ट है बस आर्बिट्रेशन. जो बस आर्बिट्रेशन है बेसिकली वो, उसका मतलब है बस पर कमांड होना. जो आपके पास बसेस हैं, इस बस पर से बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट हैं. जैसे अभी आपने देखा बसेस पर इनपुट आउटपुट मेमोरी प्रोसेसर ये सारी कनेक्टेड है. तो बस जो है बेसिकली एक बस मास्टर होगा. बस मास्टर कौन होगा? जो बस पर पूरा कंट्रोल करे, इस बस का जिसको कंट्रोलिंग करनी है, बस पर जो डेटा ट्रांसफर करे, जैसे प्रोसेसर हो गया, डीएमए कंट्रोल हो गया, और भी डिफरेंट है. तो बस आपके पास जो है उस बस को जो भी कंट्रोल करेगा वो बस मास्टर है. तो ये बस कैसे कंट्रोल होगी? तो बस आर्बिट्रेशन दो तरीके से होता है, टू टाइप से होता है. द फर्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड एंड सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड. सेंट्रलाइज्ड जो है बस आर्बिट्रेशन, इसमें क्या होगा, एक डिवाइस होगी, पर्टिकुलर डिवाइस जो पूरा कंट्रोल करेगी, और वो वही डिवाइस आपके पास बेसिकली कंट्रोलर है, वही कंट्रोल कंट्रोल करता है और वही आपके पास कंट्रोलर ग्रांट करता है कि किस बेसिकली मास्टर्स को बस दी जाए. तो सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन की जब बात करें तो ये थ्री टाइप्स का होता है: डिजी चेनिंग, पोलिंग मेथड और इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट. पहले बात करते हैं डिजी चेनिंग की. बेसिकली ये सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन का एक पूरा फिगर है. डिजी चेनिंग जो है आपके पास, इसमें देखा है जैसे अपने एक कंट्रोलर है, 1 2 3 एंड सो ऑन मास्टर्स हैं आपके पास, बस एक्सेस लॉजिक है हर एक मास्टर के पास में. नीचे आपको दो लाइंस दिख रही होंगी, एक लाइन है आपके पास बस रिक्वेस्ट की और सेकंड लाइन है बस बिजी की. बस ग्रांट आपके पास है यहाँ. जो बस रिक्वेस्ट आपके पास लाइन है, इस लाइन पर जिस मास्टर को भी बस चाहिए, वन या वन टाइम में मोर देन वन मास्टर, जिसको भी बस पे कमांड करना है, वो अपनी रिक्वेस्ट इस लाइन पर सेंड कर देता है बस रिक्वेस्ट पर. ठीक है, कंट्रोलर क्या करता है उसके बाद, कंट्रोलर बस ग्रांट भेजता है एक, जो पहले मास्टर के पास चली जाती है, जो फर्स्ट आपके पास बस मास्टर है. अगर इस फर्स्ट मास्टर ने रिक्वेस्ट की है बस की रिक्वेस्ट की है, तो ये क्या करेगा, बस बिजी जो एक सिग्नल है उस सिग्नल को सेंड कर देगा कंट्रोलर के पास और इसको बस ग्रांट हो जाएगी. अगर इसने रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करी है तो बस ग्रांट की जो इसके पास परमिशन आई है उसको ये ट्रांसफर कर देगा सेकेंड बस मास्टर के पास. सेम वे में अगर सेकेंड बस मास्टर ने रिक्वेस्ट को
जनरेट किया है तो ये चेक करेगा कि अपने लॉजिक को कि इसने एक रिक्वेस्ट को जनरेट किया है, तो ये एक सिग्नल सेंड कर देगा बिजी बस को, और यहाँ जो सिग्नल आ जाएगा वो सिग्नल्स कंट्रोल के पास चला जाएगा, तो कंट्रोल को पता होगा कि इसके पास बस आ चुकी है, इसके पास बस ग्रांट है। तो सेम वे में ये आगे बढ़ता चला जाता है। इसका कुछ तो मेन एडवांटेज है बट सम डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रक्चर को डिजाइन करना बहुत इजी है, इजीली डिजाइन कर दिया जाता है स्ट्रक्चर। बट इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि सपोज करिए एक साथ में बस मास्टर 2 और बस मास्टर 5 एंड 6 तीन ने रिक्वेस्ट सेंड की, तो क्या होगा, सबसे पहले जैसी बस ट्रांसफर होगी बस ग्रांट के लिए तो बस मास्टर 2 के पास चली जाएगी, और बस मास्टर जो 2 है वो बस अपनी रिक्वेस्ट चेक करेगा, उसने रिक्वेस्ट सेंड की होगी तो बस को वो एक्सेस कर लेगा। नेक्स्ट टाइम से अगर फिर से सपोज कर लें कि बस मास्टर 2 ने रिक्वेस्ट जनरेट कर दी, अभी उसका वर्क नहीं हुआ था बट उसने बस को रिलीज कर दिया है, तो क्या होगा, उस वे में बस अगेन उसको मिल जाएगी। तो जो उसके आगे वाली डिवाइसेस हैं वहां तक बस ग्रांट नहीं पहुंच पाएगा, इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है आपके पास पोलिंग मेथड। पोलिंग मेथड में क्या है, आपके पास लिखा है आपने यहाँ पर, आपके पास सेम वो लाइन तो रहेगी बस रिक्वेस्ट बस बिजी, इसके साथ साथ आपको एड्रेस लाइंस दिख रही है, थ्री एड्रेस लाइंस। ये थ्री एड्रेस लाइंस तब होंगी जब आपके पास 8 डिवाइस होंगी, तो जितनी भी आपके पास डिवाइसेस हैं जो बस की रिक्वेस्ट करेंगी उसी के अकॉर्डिंग एड्रेस लाइंस हम दे देंगे। अगर आपके पास 8 डिवाइसेस हैं तो 8 का मतलब क्या, 2 to the power 3, और 2 to the power 3 मीन्स है आपके पास अगर हम 3 केवल बिट्स की एड्रेस ले लें तो उस एड्रेस से हम पर्टिकुलर एक डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। 3 बिट्स का जो कॉम्बिनेशन होगा वो 000 होगा, 000 तो 000 से एक डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे आप, 001 होगा उससे नेक्स्ट डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ऐसे 010 होगा नेक्स्ट डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, 011 होगा उससे अगली डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस हर एक डिवाइस का होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास एड्रेस लाइंस यहां पर बन दी जाती है, बना दी जाती है। अब क्या होगा, आपके पास जिस भी मास्टर को, एक या एक से ज्यादा मास्टर, जिसने भी बस चाहिए वो बस रिक्वेस्ट सिग्नल्स भेजेगा बस रिक्वेस्ट लाइन पर। जब ये सिग्नल आपके पास कंट्रोलर के पास जाएगा तो कंट्रोलर एक एड्रेस जनरेट करता है, एक कोई भी एक एड्रेस, और वो इन एड्रेस लाइंस पर उस एड्रेस को डाल देगा जिसने भी बस रिक्वेस्ट की है उसके अकॉर्डिंग। इसके पास क्या होगा, जो बसेस के एड्रेसेस ये जनरेट करेगा उसमें सारी डिवाइसेस जो डिवाइसेस के पास रिक्वेस्ट की हैं वो उस एड्रेस को चेक करेंगे, जिस डिवाइस का वो एड्रेस होगा उसी डिवाइस को बस ग्रांट कर दी जाएगी, और वो डिवाइस जो है बस बिजी सिग्नल भेज देगा और बस पर अपना पूरा का पूरा कंट्रोल पा लेगा। ये पोलिंग मेथड है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट मेथड। इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट मेथड में क्या है, आपके पास सिस्टम से जो बस रिक्वेस्ट है और बस बिजी वो सेकेंड वो अलग वैसी ही लाइन है, पहले थी आपके पास, ठीक है। अब है आपके पास यहाँ पर बस ग्रांट और बस रिक्वेस्ट और बस बिजी, तो जो बस बिजी है वो एक लाइन है, बाकी हर एक डिवाइस की अपनी बस रिक्वेस्ट है और बस आपके पास ग्रांट है हर डिवाइस की, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट कहा जाता है कि हर डिवाइस इंडिपेंडेंटली अपनी बस की रिक्वेस्ट करती है और इंडिपेंडेंटली कंट्रोलर उसको बस को ग्रांट करता है। कंट्रोल के पास एक प्रायोरिटी पहले से सेट होती है, एक नंबर सेट होता है जिसको प्रायोरिटी नंबर बोलते हैं। अब जितनी भी डिवाइसेस को अब रिक्वेस्ट बस पर चाहिए कंट्रोल चाहिए वो सारी डिवाइसेस एक रिक्वेस्ट सेंड करती हैं कंट्रोलर के पास। कंट्रोल हर एक डिवाइस को चेक करता है कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग किस डिवाइस की प्रायोरिटी सबसे हाई है, उसके पास प्रायोरिटी पहले से स्टोर है, तो जिस डिवाइस की प्रायोरिटी सबसे हाई होगी उसी को वो बस ग्रांट कर देगा, एक सिग्नल भेज देगा इंडिविजुअली उस पर्टिकुलर डिवाइस के पास, और उस डिवाइस को जब बस ग्रांट हो जाएगी तो वो डिवाइस बस बिजी का एक सिग्नल भेज देगी बस बिजी पर, तो उससे सारी डिवाइसेस को पता लग जाएगा कि बस बिजी है इस टाइम। तो ये इंडिपेंडेंट बस रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन की। मैं कहता आर्बिट्रेशन दो तरीके से होता है, एक सेंट्रलाइज्ड और सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटेड।
अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन है इसमें क्या होता है, इसमें कोई एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर नहीं होता है, इसमें सारी डिवाइसेस जितनी भी डिवाइसेस हैं वो मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि हमें किस डिवाइस को बस का कंट्रोल देना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जितनी भी डिवाइस हैं आपके कनेक्टेड, हर एक डिवाइस को 4 बिट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाता है जिसको 4-bit ID नंबर बोलते हैं हर एक डिवाइस को। जब हर एक डिवाइस को 4-bit का आईडी नंबर दे दिया आपने, ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ लिखा है, आप थर्ड पॉइंट में देखें ABR0 through ABR3, तो हर एक डिवाइस का आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है या फिर आईडी नंबर है। अब होता क्या है, आपके पास 4-bit, तो जो डिवाइस है आपके पास वो डिवाइस क्या करेगी, आपकी एक 4-bit का आईडी नंबर अपना जो जनरेट करती है उस नंबर को वो पुट कर देती है बस पर, और जो बस है आपके पास उस बस पर 4-bit नंबर क्या होगा, 01 ही होगा। 01 नंबर को जब पुट करेगी तो बस से पता लग जाएगा किस डिवाइस की सबसे हाई प्रायोरिटी है और उस डिवाइस को ये बस ग्रांट की जाएगी। सपोज 4-bit आइडेंटिफिकेशन नंबर है हर एक उसका डिवाइस का, और बसेस जो हैं हर एक बस पे 0 या 1 रख रहा है। अगर एक डिवाइस तो 4-bit की बस है, डिफरेंट 1, 2, 3, 4 लाइन होंगी, इस पे 0, 0 और 1 आपके पास ट्रैवल करेगा। अगर पहले डिवाइस ने सपोज 0, 0, 0, 4 बार 0 लिया तो वो हर एक बस पर 0, 0, 0 रख देगा, अगर 4 buses वहां पर 4-bit की बस है। अब क्या करेगा, अगर सेकेंड डिवाइस में भी सेकेंड जो डिवाइस है उसका एड्रेस है सपोज कर लीजिए 0001, 0001, तो वो क्या करेगा, पहला 0 जहां रखा हुआ था उसने अपना 0 रख दिया, तो 00 जो 00 होगी अगर सेम बिट है दोनों डिवाइस की, तब उसका लॉजिक जो होगा उस लाइन का वो 1 हो जाएगा। अगर दोनों डिफरेंट नंबर होंगे, अगर एक डिवाइस का 0 होगा और सेकंड डिवाइस का 1 होगा, तब लॉजिक जो होगा वहां पर वो 0 हो जाएगा। तो लॉजिक अगर सेम बिट है तो 1 रहेगा, और सेम बिट नहीं है तो लॉजिक 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, लास्ट वाले पॉइंट में एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है कि वी हैव 2 devices, डिवाइस ए एंड डिवाइस बी। हमारे पास 2 devices हैं ए एंड बी, और फर्स्ट डिवाइस का जो आईडी नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो 1 है, और सेकंड डिवाइस का जो आईडी नंबर है वो 6 है। अगर 1 को 4-bit बाइनरी में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो 0001 आएगा, और 6-bit को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे 0110 आएगा। अब होगा क्या, जैसे यहाँ आप देखें, पहले जो फर्स्ट डिवाइस ए है उसका पैटर्न 0001 हो जाएगा, सेकेंड डिवाइस का पैटर्न 0111 हो जाएगा। अब फर्स्ट डिवाइस का जो फर्स्ट नंबर है आपके पास वो है 0, और सेकंड डिवाइस का फर्स्ट नंबर है 0, तो 0 और 0 मिलके 0001 हो गया, तो यहाँ 1 है। देखो जो भी 1 है सेकंड लाइन में, इस फर्स्ट पॉइंट के सेकंड लाइन में आपको 1000 दिख रहा है, फिर सेकंड नंबर जो है वो 0 है, तो सेकंड डिवाइस का भी सेकंड नंबर 1 है, 01 मिलकर, मैंने बताया था कि अगर सेम नंबर नहीं होंगे तो 0 होगा, तो ये लॉजिक 0 हो गया। आगे कोई भी नंबर सेम नहीं है तो लॉजिक 0 हो गया। उसके बाद क्या होता है, हर एक डिवाइस जो है वो नंबर को इन्वर्ट में रीड करती है, इन्वर्ट में रीड, इन्वर्ट का मतलब है 0 का 1 एंड 1 का 0। जैसे यहाँ 1000 है तो इन्वर्ट में डिवाइस क्या रीड करेगी, डिवाइस रीड करेगी 0111, 0111। अब हर एक डिवाइस, डिवाइस ए भी 0111 रीड करेगी और डिवाइस बी भी 0111 रीड करेगी। अब ये 2 devices क्या रीड करेंगी, अब देख लिया आपने। अब इसके बाद होगा क्या कि किस डिवाइस को, ए को ग्रांट होगी बस या बी को ग्रांट होगी, ये डिपेंड करेगा इसी नंबर पर 0111 पे। अब ए डिवाइस देखें हम, तो ए डिवाइस जो है आपके पास, उस ए डिवाइस का नंबर था 0001, और जो आपके पास अब डिवाइस रीड कर रही है वो 011 रीड कर रही है। तो जैसे फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट बिट जो होगी 00 दोनों की सेम है, पहली बिट सेम होगी, नेक्स्ट बिट उसने चेक की 0 और इसकी नेक्स्ट बिट 1, ये बिट सेम नहीं है तो यहाँ पर ड्रॉप कर देगा कि 1 bit ही मिली उसको, 1 bit केवल मिल पाया, 1 से आगे बिट उसकी मैच नहीं की। जो सेकंड डिवाइस होगी अब वो चेक करेगी, बी डिवाइस चेक करेगी, पहला बिट उसको 00 मिल गया, पहला बिट उसका ठीक हो गया, अगला बिट 11 मिल गया, अगला बिट सम मिल गया, फिर अगला बिट 11 मिल गया, ये बिट भी सेम है, लास्ट बिट सेम नहीं हुआ, बट 3 bit इसके सेम हो चुके हैं। इसका मतलब जो बी डिवाइस है उसकी प्रायोरिटी हाई होगी डिवाइस ए से, तो बी डिवाइस अब रेस जीत चुकी है इन सब में, और जो आपके पास बस ग्रांट होगी वो बी डिवाइस को बस ग्रांट हो जाएगी। तो ये मेथड था आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड मेथड, इसका लॉजिक डायग्राम गिवन है ना। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपने मूव करते हैं ना, नेक्स्ट टॉपिक इज बस एंड मेमोरी ट्रांसफर।
इसका मतलब है कि बस से मेमोरी पर हम कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो बस मेमोरी ट्रांसफर जो है वो बेसिकली रजिस्टर के बीच में है। इसके लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। बस सिस्टम फॉर फोर रजिस्टर्स के लिए बस सिस्टम दिया है। तो यहाँ आपने देखा फोर मल्टीप्लेक्सर है हमारे पास 4x1 का। तो 4x1 के मल्टीप्लेक्सर का मतलब है कि मल्टीप्लेक्सर के पास चार इनपुट आ रहे हैं और वन आउटपुट है। 4x1 आउटपुट पर ये वर्क कर रहा है। तो 4 इनपुट में से किसी एक इनपुट को ये सिलेक्ट करेगा और एक आउटपुट आपको प्रोड्यूस कर देगा। और ये डिपेंड किस पर करेगा? सिलेक्शन लाइन पर, S0 S1 जो इसकी सिलेक्शन लाइन है उस सिलेक्शन लाइन पर ये इनपुट को सिलेक्ट करेगा। अच्छा, इस पे इनपुट कहाँ से आ रहा है? चार रजिस्टर दिए हैं आपको, हर एक रजिस्टर से इनपुट आ रहा है। देखो आप, तो इनपुट कैसे कनेक्ट है वो आपको साफ दिख जाएगा। हर रजिस्टर की एक बिट एक मल्टीप्लेक्सर से आपके पास कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पर गिवन है जो 3 नंबर की 1 0 1 2 3 रजिस्टर पर 3 नंबर 4 नंबर गिवन है, 0 गिवन है 1 गिवन है 2 एंड 3 गिवन है। आप देखिए 3 हर एक का 3 जो है वो मल्टीप्लेक्सर 4 से कनेक्टेड है। क्लियर हो गया? अब मल्टीप्लेक्सर में 4 से कनेक्टेड हो गया 3, ऐसे ही हर एक का 0 जो कनेक्ट हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर 1 से कनेक्ट हो जाएगा, और हर एक का 1 कनेक्टर हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लेक्सर 1 से, और जो हर एक का 2 कनेक्ट हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर 2 से, और हर एक का 3 कनेक्ट है मल्टीप्लेक्सर 3 से। अब सिलेक्शन लाइन पर वर्क कैसे होगा? सिलेक्शन लाइन दो है आपके पास, 0 हर एक 1 और 1 है S0 S1 है। जैसे ही आप इनपुट 0 0 देंगे तो 0 0 इनपुट पर क्या होगा, हर एक मल्टीप्लेक्सर के 0th पर जो बिट होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ईच मल्टीप्लेक्सर के 0 पर बिट देखें, पहले मल्टीप्लेक्सर के 0 पर बिट A0 होगी, दूसरे पर A1 होगी, फिर A2 होगी, फिर A3 होगी। इस तरीके से जो बस है, बस पर A के 4 बिट जो A रजिस्टर है उसके 4 बिट का डेटा बस पर ट्रांसफर कर जाएगा। सेम अगर इस इनपुट को हम 0 1 कर दें, पहले 0 लिख दें फिर 1 लिख दें, लेफ्ट मोस्ट बिट 0 हो जाएगी फिर 1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये 1 हो गया। तो हर एक मल्टीप्लेक्सर से जो 1 पर इनपुट है वो इनपुट आपका सिलेक्ट होगा। तो हर एक मल्टीप्लेक्सर के 1 पर जो इनपुट है वो बी रजिस्टर है, वो बी रजिस्टर का डेटा इस तरीके से सिलेक्ट होगा और ये डेटा पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा आपके 4 बिट कॉमन बस पर। 4 बिट की बस है तो 4 बिट पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो डेटा हर एक रजिस्टर का डेटा कैसे ट्रांसफर करना वो डिपेंड किस पर कर रहा है, आपके मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन लाइंस पर। आज का लेक्चर हमारा ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।